जे फिर नहीं सुटती भी 2-5 ग्राम के टीके लाए ठीक है, वो लक के उत्ते तेल मार गया चंगी तरह सरों का, नाल जवैन लूण सुट के मोटे वो चंगी तरह मालिश हो जाए, मालिश हो के वो उत्ते को कपड़ा पाया जाए, अल्लाह के हुक्म नाल 15 मिनट बाद जे बाहर आ जाए। सर 2 किलो तारा मीरा ले लैन, अद्धा किलो दादर मिर्चा, अच्छा अद्धा किलो हल्दी, इन्हों मिक्स करके ना सरों का तेल पा लैन, उस सुबह मैं गाय नूं पट्ठे खवा के पानी डा के ते वो दे के छावें बांध देंगे, अच्छा गर्मी नहीं लगी रहा ना, मक्खी मच्छर ना नेड़े आएगा, हाँ तो दुध भी वधेगी, अच्छा। गर्मी नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्त अहबाब को विलेज गाइड में खुश आमदीद, मैं हूं आपका होस्ट अबैद अवान। आज आपको लेकर आए हैं फ़ारूक गुजर साहब के डेरे पर। फ़ारूक गुजर साहब अपना सालों का तजर्बा आपसे बयान करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। पैजन की हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। पैजन की ना अपना? मेरा नाम जी मोहम्मद फ़ारूक। फारूक भाई माशाल्लाह किने घर से तू मालदारी का काम कर रहे थे? बचपन से ही कर रहे थे। बचपन से माशाल्लाह, तो इस टाइम कितना के माल रखा था? 40-50 जानवर है। जबरदस्त। तो फारूक भाई पूछना चाहवा दे कि 40-50 जानवर तो दो दिन वाले के लिए समझो कि 35 के जानवर है तो दो दिन। अच्छा तो कितना रोजाना दूध मिल जाता तुम्हारे टाइम वाले? कोई मेरे यहाँ को 6 कमाण हो गया। अच्छा फारूक भाई अजकल एक बड़ा कामन मसला है दुध देने वाले जानवरों के हवाले नाल, अक्सर लोगों को पेश आ जाता है कीमती जानवर जाया होंगे ने, खासकर थन थणा का मसला आता है। थणा में किड़े किड़े मसले आते हैं एक पे दसो? ये चंदरी जहर भी हो जाता है। अच्छा घर जाना डर? अच्छा कई बार मिणकी हो जाती है। ठीक है, यह जो बहुते तीन मसले जड़े चंदरी जहर साड़ू और मिणकी और नाड़, ये चौवान च की फर्क है? लैदा लैदा ये चंदरी जहर जरा सानू मार भी छड़ता, तो ठंड चढ़ भी जाता है, तो बहाने पूरे सोज हो जाती है, जानवर पट्ठे भी छड़ छड़ता। अच्छा तो उस बाद ठंड जरा दो चालू होए ना वो बिल्कुल छिछड़े हो जाते हैं। अच्छा यानी कि खत्म समझो। अच्छा तो अगर किसी जानवर में चंदरी जहर का मसला हो जाए तो उन्हें वापस लियाने वास्ते की किया जा सकता? उन्होंने जोड़ा ना वापस लियाने वास्ते कोई तकरीबन एक पा जी है ना ठीक ही हाजिर हो, एक पा हल्दी, एक पा शीशा लूण, ठीक है एक पा जी दादर मिर्चा, ठीक है तो इस जरा इन्हों मिला के ना चंगी तरह जी जी इन्हों सरों का तेल पा लिया जाए, ठीक है तो वह जानवर रोजाना पा दिता जाए। सरों का तेल किन्ना पा लेना चाहिए? जिद ना जोड़ा ना सही गिला हो, ठीक है हाँ जी तार जहा हो, ठीक है एक वक्त ही मिक्स कर लेना सारा कुछ? दो वक्त सारा जरा पी के ना इकट्ठा करके इनू मिक्स कर लेना, ठीक है तो जरा रोजाना एक पा जरा ना वो दिता जाए, नाल कोई अच्छा जहा टीका लाया जाए, कोई कोई भी ला लो जरा हूँ तो बेबाने कंपनियां बेबाने 5 ग्राम, ठीक है 5 ग्राम का भी लग जाए वो भी बेहतर। हाँ जी ठीक है, किन्ने दिन इलाज करना चाहिए? 4 दिन बेहतरी उम्मीद है इंशाल्लाह। ये सून तू पहले देना चाहिए या जो भी खराब हो जो भी खराब हो कोई मसला नहीं दे सकते? हाँ जी जहर भी बेहतर हो जाए, जहर भी जरा खत्म हो जाए, ठीक है। तो चंदरी जहर तो अलावा दसा साड़ू, साड़ू का चंदरी जहर ना की फर्क है? साड़ू है कि बिल्कुल जरा ना थान घट जाता है, कहीं मैं हूँ सुबह शाम को दुध दिता है ना तो सुबह तक जरा ना थान घट जाएगा बाबा जी। अच्छा छोटा हो जाएगा? नहीं नहीं दुध फिर घट जाएगा। अच्छा तो वो क्यों होंगे और बचत का तरीका कर रहे वास्ते जरा दुध हल्दी? अच्छा वो दो नाल भी कोई अच्छा जहा टीका ला लो। दुध हल्दी किन्ने दिन और किन्ने टाइम? 4 दिन दवो, अद्ध पा हल्दी हो रोजाना किलो दुध हो जिदा मर्जी दुध हो मझ का भावें गाँव गाय का हो बेहतर मझ में देना हो गाय देना हो मझ का, ठीक है। अच्छा सर यह दसा जी कि कई जानवर पिछा कट जाते हैं, हाँ जी उसका की हाल है? जे तो अभी तो जोड़ा ना खासकर जे तो ना गर्मी का तो सेवियां का एक लफाफा लैने बोलने। अच्छा वो 3-4 किलो पानी। अच्छा वो चंगी तरह मिक्स करके ना यानी कि हाथ ना मल के वो 2-3 दिन देता वो बिल्कुल ठीक हो जाए। जे हो ना गर्मी का या बाईपादी का
ते जिहड़ा बाजबा दी देना उहदे वास्ते ना एक पा मिठी सौंफ लिया जी बंदा एक पा अद्धा किलो मिठी सौंफ अद्धा किलो मेथरे इहनां ग्राइंडर करके ते विच दो किलो गुलकंद पाए अच्छा उह गुलकंद पा के मिक्स कर ले ते रोज़ाना एक पा जिहड़ा दित्ता जाए रोजाना पा डेढ़ पा देना सुबह मैं गाय नूं पट्ठे खवा के पानी ढा के ते ओ दे के शाम शाम में बांध देगा अच्छा हां जी गर्मी नहीं लगी रहे ना मक्खी मच्छर ना नेड़े आएगा हां ते दूध भी वधेगी ते गर्मी नहीं रहेगी ठीक है। कई जानवर ने देखा कि खलोते हुंदे ने उनकी अखां चो अथरू वग वग के ते ओ जहर भाई बासी है गिल्ली हो जांदा मुंह हां जी ओ की हाल है ओ है जेड़ा मसला है जसन मसाला ऐ ही गर्मियां दे विच आ ही इदे विच जे सर्दियां हां गर्मी दा दस्या जे आहार ते हाँ जी ठीक है तो जो सर्दियाँ जो देना हो ना फिर ये तिली का तेल पा लो अच्छा ए हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा सर जी अगर कोई बंदा पाँदा कि मेरा काम आज छू पई है उन जोड़ने चढ़ती पी हाँ जी तो उन्होंने फिर की करना चाहिए या वो पहले की एहतियाती तदाबीर की जान के टाइम सर जोड़ छुट जाए वो जो गाइया मज सौन लगे ना जो बचे दे खोर बाहर नजर आ जान एक मुठ लून ते एक मुठ खंड ला के उन्हों दे दिता जाए अच्छा हाँ जी अगर जे नहीं सुटदी भी सूके भी ओनू चोण आला टीका नहीं जेड़ा ओ लाया जाए तीन के सी सी उस तो बाद दो जे फिर नहीं सुटदी भी दो पांच ग्राम दे टीके लाए ओदे लक दे उत्ते तेल मल के ना चंगी तरह सरों दा ते नाल जवैन ते लून ओ सुट के मोठे कर ओ चंगी तरह मालिश होए ओदी मालिश हो के ओदे उत्ते कोई कपड़ा पाया जाए अल्लाह दे हुक्म नाल 15 मिंट बाद जेर बाहर आ जाए वाह वाह क्या बात है। जानवर कोई भी सुनदा ना पूरा एक जिस्म घुट कर जो मालिश हो ऑटोमैटिक बाहर आ क्या जबरदस्त टेक्निक दसी है। अच्छा भाई फरूक भाई के नवा जानवर खरीदना हो किसी भी बंद नाड़ी बंद ने थोड़े जैसे सियाने बंद उन्हें पता चल जाता है वो कड़िया चीज़ा वेख के जानवर खरीदे खुद खरीदने चला जाए या नाल किसी लैक भी जाए बेहतर तो है ये जे बिल्कुल नवा बंद है ना तो किसी सियाने बंद लाइए अच्छा तो जे उन्होंने थोड़ी बहुत पछाण है अच्छा तो फिर लै आए तो फिर अल्लाह की सबूरती काम हो जाए चीज़ा देखनी चाहिए खरीदने पहले काम जानवर का सोहना कद बुद्ध होना चाहिए सिंग कूडे होने चाहिए लम्मी पुछल होनी चाहिए चमड़ी जी बरीक होनी चाहिए थान मुठ मुठ होना चाहिए बहाना पिछड़ होना चाहिए तो बाकी फिर अल्लाह की सबूरती काम बच्चा मौजूदा नाल होना चाहिए बहुते बंदे नवयां नूं मंडियां दे विच बड़ा दा लग जांदा ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਸੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਮਾਰ ਫੜਦਾ ਉਹਦੇ ਥਾਣਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਨਾ ਦਿਲਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ 0307 ਜੀ ਜੀ 818 ਜੀ ਜੀ 4414 ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਹੈਂਡਰਪੁਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਭਾਰ ਜੀ ਨਾ।